अब यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमें इस आयु में 17-18 वर्ष की आयु में ब्रह्मचार्य का पालन करना है, समय बहुत निकल गया है, यहाँ से मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। अभी यहाँ आने से पहले आपके जीवन में जो भी आपसे गलतियाँ हुई, जो भी आपसे गुनाह हुए, जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई, उन सबको आप भूल जाओ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, आपने अपने बीते हुए कल में जो गलतियाँ की, उस पर पछताने से अब कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपके बीते हुए कल में जो भी परेशानियाँ थी, उसको लेके बैठने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आपका आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। आप अपना आने वाला कल जरूर सुधार सकते हो, और यदि आपका आने वाला कल सुधर गया और आप सफल हो गए, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ? बात समझ रहे हैं आप कि यदि आपका आने वाला कल आपके लिए सफलता लेके आया, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके बीते हुए कल में आप कितनी बार असफल हुए थे। अब आपको लग रहा होगा समय बहुत निकल गया है, यहाँ से मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। ये भाव आपके अंदर किसने डाला? आपके आसपास के बच्चों ने, इंटरनेट पे आपने बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जो आपको नकारात्मक सोच दे रहे होंगे कि अब यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे तरह से पढ़ना शुरू नहीं किया है। अब आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कल तक आपने जीवन में मेहनत नहीं की थी। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं, वो अपने जीवन में अपनी गलतियों की वजह से असफल होते हैं, फिर अपनी असफलता का बोझ, अपनी असफलता का दर्द वो आपके जीवन पे डालते हैं। ऐसे लोग आपको जीवन में कभी भी ऊंचा उड़ने नहीं देंगे। ये जिंदगी आपकी है, आप दूसरों के अनुभवों से यहां पे नकारात्मक सोच अपने अंदर मत लाओ। अभी बहुत समय बाकी है, जब तू जागेगा तब सवेरा होगा मेरे हनुमान, तू कल ले जाएगा। तुम तो इंसान हो यार, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज इंसान, सबसे बदसूरत चीज भी इंसान है। क्यों? क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास ब्रेन है, वो सोच सकता है। आप कोई पशु नहीं हो, कोई पक्षी नहीं हो, आप कोई पेड़ नहीं हो, आप कोई फल नहीं हो, आप मनुष्य हो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हो। ऊपर वाले ने आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग बनाया है। किस लिए बनाया है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता है। हम सब ढूंढ रहे हैं पर्पस अपने जीवन का, पर हमें यह जरूर पता चल गया है कि किस लिए नहीं बनाया है। हमें जीवन में क्या बनना है यह पता करने में कई बार काफी समय लग जाता है, पर हमें जीवन में क्या नहीं बनना है यह हमें बहुत आसानी से पता होता है। कहने का मतलब, हमें आजकल इस कलयुग में जो ये बुरी शक्तियां हैं, इनका अधीन नहीं बनना है। हमें किसी चीज की लत नहीं पड़नी चाहिए, हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के चक्कर में नहीं फंसना है। हमें इस आयु में, 17-18 वर्ष की आयु में ब्रह्मचार्य का पालन करना है और जीवन में कुछ कर दिखाना है, अपने लक्ष्य को साधना है।